चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी स्वागत करता हूं आपके अपने प्रद्योगिरी कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों यहां पे आज से हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीरीज वन होने वाली है जहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्या बताने वाला हूं, पूरा जो क्वेश्चन है मैं वर्बली बताने वाला हूं। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये आप एक्चुअली देखिए, ये सीरीज अगर आप चाहते हैं कि बरकरार रहे तो सबसे पहली चीज एक कमेंट करो, जितने भी आपके टूए साइंड के वीडियोस आ रहे प्लीज एक कमेंट कर दो, क्योंकि देखो जब आप कमेंट करते हो दोस्तों, आप शेयर करते हो, थोड़ा उनको बताते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हमें यहाँ पे भी एक मोटिवेशन, हमारे मोटिवेशन क्या होता है, हमारे जो थोड़े से जो नंबर्स है वो थोड़े से रेज हो जाएंगे तो हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगे। तो प्लीज अपने दोस्तों शेयर करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए बहुत सारी चीजें ला सके। और साथ ही साथ दोस्तों जल्द ही आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है आप ये चैनल पे, जो आपको थोड़ी ही दिन में पता चल जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या लाइव सेशन जो है शुरुआत होने वाले हैं आपके 4th of December से, जहां पे आपके एक एक करके सारे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, प्लस वीडियो लेक्चर्स तो आएंगे लेकिन करना कैसे, किस तरह से चीजें लर्न करें, जहां पे हम लाइव सेशन में रिविजन लेंगे, प्लस आपके जो कंसेप्ट है वो आपको लर्न भी कराएंगे, क्या पॉइंट किस तरह से लिखना वो भी चीज आपको बताई जाएगी। अब आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है OCM का, जो आपके टोटल कितने मार्क्स के लिए आता है, 10 मार्क्स के लिए आता है विदाउट ऑप्शन, और वही विद ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स के लिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको जैसा मैंने बताया विदाउट ऑप्शन आपका जो है वो आपको 10 मार्क्स है, तो मतलब आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट अटेम्प्ट आपको कोई भी 2 करना है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, आपको नेचर पूछ लिया जाता है किसी चीज का, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा, फीचर्स पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरह की चीजें यहाँ पे क्या पूछी जाती है। अब क्वेश्चन कौन सा करना मैं बता रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सीरीज वन होने वाली, आगे भी और सीरीज आएंगे तो बरकरार रहे। सबसे पहली चीज, और जब आप पढ़ रहे हो तो ये आपकी जो चीज होनी चाहिए 360 डिग्री माइंड मैप के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब 360 डिग्री माइंड मैप क्या, मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे दो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, कंट्रोलिंग, ये वाला आपको क्वेश्चन कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन कर लेना चाहिए, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन कर लेना है। आता है बिजनेस सर्विसेज में, बिजनेस सर्विस में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन दी डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपको साथ ही साथ क्या कर लेना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको क्वेश्चन क्या कर लेना है। अब सेम फिफ्थ चैप्टर में आते हैं, फिफ्थ चैप्टर में आपको करना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन करना है उसको, साथ ही साथ आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको साथ में कर लेना है। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में, तो चैप्टर नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड कंज्यूमर कर लेना है, और आपको जो कर लेना है वो क्या है, और टुवर्ड सोसाइटी कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में आते स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स, ये आपको कर लेनी है, और दूसरा आपको कर लेना है स्टेट द कॉम्पोजिशन एंड दी मॉनिटरी जुडिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये आप क्वेश्चन कर लेना। अब लास्ट चैप्टर नंबर 8 अगर बात करूं तो एक्सप्लेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, आपको चीजें कर लेनी है। फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या कर लेना है, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग कर लेना है। इतनी चीजें आपको क्या कर लेनी है, अगर आपने इतनी चीजें कर ली, और मैं आपको बता दूं ये जो आपकी सीरीज 1 है, क्या आ रही है आपकी सीरीज 1 है, यहाँ पे सीरीज 2 भी आई है। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा चैप्टर नंबर 1 में, आपका क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आपको क्या करके रखे हैं। हाँ, अब ये आप जब 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आपको पूरी चीजें नहीं आएंगी, आपको 14 का 14 प्रिंसिपल नहीं लिखना, आपको कोई भी 5 प्रिंसिपल बोला जाएगा वो आपको क्या लिखना रहेगा, समझ में आ गया। हाँ, लेकिन मेरा सजेशन देगा कम से कम 7-8 करके रख लो। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स है तो कम से कम 8 पॉइंट लिखोगे तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां पे जो कंटेंट है वो ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर और भी कुछ चीजें चाहिए जो आपको चाहिए कि हम आपको बताएं, और भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो आपको बताएं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना ताकि हम उसकी भी जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आ सके। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर करो,
जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हमारा एक मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और भी कई सारी चीजें क्या प्रबंध क्या उसका कर सके। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।